यूपी के बरेली में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम युवक पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मामला लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि बरेली के राजेंद्र नगर कॉलोनी में कंप्यूटर कोचिंग की छात्रा के साथ आलिम नाम के युवक ने हिंदू नाम बताकर पहले दोस्ती की, फिर दोनों की नजदीकियां जब बढ़ी तो मंदिर में दोनों ने शादी भी कर ली। बाद में जब युवक की असलियत पता चली तब युवती ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी आलिम ने पीड़िता के साथ शादी से पहले उसे अपना नाम आनंद बताया था, वो हाथ में कलावा भी बांधता था, इसलिए पीड़ित लड़की को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। पीड़िता के मुताबिक शादी के बाद आलिम उसे अपने एक दोस्त के कमरे पर ले गया, उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसके साथ ही उसने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बना डाली। इसके बाद आलिम ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर होटल में भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वो गर्भवती हो गई। बाद में पीड़िता आरोपी के घर भी पहुंची, वहां की हकीकत देखकर वो दंग रह गई। आलिम के घर जाकर उसे पता चला कि उसने अपना नाम आनंद गलत बताया था, उसका असली नाम आलिम है और वो मुस्लिम है। घर पर आलिम के पिता, माँ, बहन और बाकी लोगों ने उसका गर्भपात कराकर निकाह करने की बात कही। विरोध पर युवती के साथ मारपीट कर घर से भगा दिया गया। युवती ने बताया कि 11 मई 2023 को हाफिजगंज में एक अस्पताल में उसका गर्भपात कराया गया। आरोपियों की मारपीट और धमकी से डरकर युवती ने शिकायत नहीं की थी। अब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बदनामी के डर की वजह से डरी सहमी छात्रा ने खुद को घर में कैद कर लिया था। अब जाकर पीड़िता की तहरीर पर आरोपी आलिम और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती ने थाना देवणिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए, और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376-313 तथा NIPC मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ईवी बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है, किया जाएगा। बता दें कि पीड़िता का मेडिकल कराकर उसका बयान दर्ज कराया गया है। आरोपी आलिम के खिलाफ धर्म परिवर्तन अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। टाइम्स नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।